अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ये हमारे YouTube कोर्स की 21वीं वीडियो है। आज की ये वाली वीडियो खास तौर पर उन यूट्यूबर के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ YouTube मोनेटाइजेशन पेज से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमारा वॉच टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा, और बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमारा वॉच टाइम नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मदद रमजान को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि हमारा असली वॉच टाइम कहाँ पे मौजूद होता है, जहाँ से YouTube टीम चेक करती है। तो देखिए, आपके YouTube मोनेटाइजेशन पेज पर जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर मौजूद होते हैं वही असली आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम होता है, और YouTube टीम भी YouTube मोनेटाइजेशन पेज पर जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम होता है उसी को देखती है। अब सबसे पहला सवाल कि हमारा वॉच टाइम अपडेट नहीं हो रहा, तो देखिए यहाँ पे जो आपको मोनेटाइजेशन पेज पे वॉच टाइम नजर आती है 2 दिन बाद जाके अपडेट होता है। मिसाल के तौर पर आज 28 तारीख है और यहाँ पे जो आप लोगों को वॉच टाइम नजर आ रहा है ये 26 तारीख तक का वॉच टाइम है। 27 और 28 डेट का वॉच टाइम इसमें काउंट नहीं हुआ, क्योंकि ये आमतौर पर 2 दिन पीछे चल रहा होता है। अब बहुत सारे दोस्तों ने ये भी सवाल करना है कि मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं, मेरा वॉच टाइम अपडेट नहीं हो रहा, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है? तो देखें, हो सकता है आपके चैनल पर इतने व्यूज ना आ रहे हों और इतना वॉच टाइम अभी इंक्रीज ना हुआ हो जो अभी अपडेट हो सकता हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके YouTube चैनल पर पिछले 4 से 5 दिनों में सिर्फ 20 से 25 मिनट का वॉच टाइम आया है, तो ये वाला वॉच टाइम अभी तक आपके मोनेटाइजेशन पेज में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि YouTube मोनेटाइजेशन पेज में जो वॉच टाइम होता है वो घंटों में अपडेट होता है। जब आप लोगों का वॉच टाइम घंटों में होगा तो ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि YouTube मोनेटाइजेशन पेज में मिनटों में वॉच टाइम अपडेट नहीं होता। जब आपके चैनल पर घंटों में वॉच टाइम कंप्लीट होगा तो आपके YouTube मोनेटाइजेशन पेज पर वो वाला वॉच टाइम भी अपडेट कर दिया जाएगा। और बाज़ औक़ात ये भी रीजन हो सकती है कि YouTube पर बहुत सारे एरर आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके YouTube चैनल पर कभी कभी वॉच टाइम बहुत इंक्रीज हो जाता है और कभी आपका वॉच टाइम बहुत डिक्रीज हो जाता है, और कभी आपका वॉच टाइम वहीं पे जमा रहता है। ये आपकी टेंशन नहीं है, ये यूट्यूब की टेंशन है और ये यूट्यूब खुद ठीक कर देगा। और यहाँ तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमारा वॉच टाइम अभी तक क्यों अपडेट नहीं हो रहा। बहुत सारे यूट्यूबर ये भी कहते हैं कि हमारा वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है, कल हमारा वॉच टाइम 500 घंटे थे, आज हमारा वॉच टाइम 400 घंटे हो गए हैं, इसकी क्या रीजन हो सकती है? भाई, इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है। हो सकता है आप लोगों ने कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दियो, कोई वीडियो प्राइवेट कर दियो, अनलिस्टेड कर दियो, या आपकी किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई हो, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई हो, तो वो वाला वॉच टाइम भी इसमें से माइनस हो जाता है, इससे भी आप लोगों का वॉच टाइम डिक्रीज हो जाता है। अब बहुत सारे दोस्त ये भी कहेंगे कि हमने कोई भी वीडियो डिलीट, प्राइवेट या अनलिस्टेड नहीं की, और ना ही किसी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है और ना ही कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई है, फिर भी हमारा वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आप लोगों ने जो वॉच टाइम लिया है वो किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से लिया है। अब आर्टिफिशियल तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको पता होता है कि हम किस तरीके से वॉच टाइम गेन कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का आर्टिफिशियल तरीके से लिया गया वॉच टाइम बाज़ औक़ात यूट्यूब के शिकंजे में नहीं आता और उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और बाज़ औक़ात आर्टिफिशियल तरीके से लिया गया वॉच टाइम यूट्यूब के शिकंजे में आ जाता है यूट्यूब को, और यूट्यूब को पता चल जाता है कि इसने इस आर्टिफिशियल तरीके से वॉच टाइम लिया है, और वो आपके इस वॉच टाइम को डिक्रीज कर देते हैं, उस वॉच टाइम में से इसको माइनस कर देते हैं। आप भी बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि हमने किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से भी वॉच टाइम को कंप्लीट नहीं किया तो भी हमारा वॉच टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है आपके यूट्यूब चैनल को 1 साल खत्म हो गया और दूसरा साल चल रहा
रहा हूँ, जो वॉच टाइम यूट्यूब मोनेटाइजेशन पेज पे शो होता है वो लास्ट 365 दिन का शो होता है। अब मिसाल के तौर पर आपने चैनल बनाया था 25 फरवरी 2021 को, आज तारीख है 28 फरवरी 2022। अब जो आप लोगों ने वॉच टाइम 25, 26, 27 तारीख को पिछले साल गेन किया था, अब वो वाला वॉच टाइम इस वॉच टाइम से मैनेज कर दिया जाता है। और अब जो आप लोगों ने 25, 26 और 27 को और जो वॉच टाइम गेन किया है वो वाला वॉच टाइम इस वॉच टाइम में ऐड कर दिया जाता है, और जो पिछले साल में आप लोगों ने 25, 26 और 27 को वॉच टाइम गेन किया था वो वाला वॉच टाइम इस वॉच टाइम में से मैनेज कर दिया जाता है। अगर आप लोगों का पिछले साल में उन 3 दिनों का वॉच टाइम था 500 घंटे और अब जो आप लोगों ने इन 3 दिनों में वॉच टाइम गेन किया है वो भी है 500 घंटे, तो इससे आप लोगों का वॉच टाइम ना इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, बल्कि इक्वल रहेगा, क्योंकि जो पीछे आप लोगों ने 3 दिनों में वॉच टाइम गेन किया था वो वाला वॉच टाइम 500 घंटे इसमें से मैनेज कर दिए हैं, और जो वॉच टाइम अब आप लोगों ने इन 2-3 दिनों में गेन किया है वो वाला वॉच टाइम 500 घंटे इसमें ऐड कर दिए हैं। इस वजह से आप लोगों का वॉच टाइम इक्वल है, ना इंक्रीज हुआ है और ना ही डिक्रीज हुआ है। और अगर आप लोगों ने अब 25, 26 और 27 तारीख को जो वॉच टाइम गेन किया है वो मिसाल के तौर पर 1000 घंटा है, और जो आप लोगों ने वॉच टाइम पिछले साल 25, 26 और 27 को गेन किया था वो मिसाल के तौर पर 500 घंटा है, अब वो वाला वॉच टाइम 500 घंटे इस वॉच टाइम में से मैनेज कर दिए जाते हैं, और जो अब आप लोगों ने वॉच टाइम गेन किया है 1000 घंटा वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, और इससे आप लोगों का 500 घंटा इंक्रीज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वॉच टाइम से रिलेटेड ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।